जय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। भारत डिफेंस वन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे देश के बारे में जिसको कि पूरी दुनिया एक सुपर पावर कंट्री के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की मिलिट्री पावर को लेकर। यानी कि आज हम जानेंगे कि 2024 में अमेरिका की मिलिट्री पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है 2023 के मुकाबले। जैसा कि हम में से कई लोग जानते होंगे कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि अपनी मिलिट्री पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि 2024 में अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो लगभग 820 बिलियन डॉलर निकल के आया है। अब हम बात करते हैं उसकी आर्मी की। अमेरिका के पास करीब 13,20,000 की आर्मी उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं लैंड पावर को लेके। बात करें हम लोग आर्मर व्हीकल्स को लेके, तो अमेरिका के पास करीब 3.5 लाख से अधिक आर्मर व्हीकल्स उसके बेड़े में शामिल है। वही बात करें हम लोग टैंक्स के बारे में, अमेरिका के पास कुल ऐसे 4,500 से अधिक टैंक्स उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को लेके। अमेरिका के पास कुल ऐसी 1,000 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग फील्ड आर्टिलरी गन्स को लेकर, अमेरिका के पास कुल ऐसे 1,200 से अधिक फील्ड आर्टिलरी गन्स उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं फाइटिंग व्हीकल्स को लेकर, अमेरिका के पास कुल ऐसे 3,500 से अधिक फाइटिंग व्हीकल्स उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात कर रहा हूँ मल्टीपल रॉकेट सिस्टम को लेके, अमेरिका के पास कुल ऐसे 650 से अधिक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं एयर पावर को लेके। बात करें मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के, अमेरिका के पास कुल ऐसे 895 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके, तो अमेरिका के पास कुल ऐसे 1,800 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को लेके, तो अमेरिका के पास कुल ऐसे 690 से अधिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम लोग अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर, अमेरिका के पास करीब ऐसे 1,100 से अधिक अटैक हेलीकॉप्टर उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में, अमेरिका के पास कुल ऐसे 950 से अधिक बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं एयर टैंकर को लेके। बात करें अमेरिका के पास कुल ऐसे 600 से अधिक एयर टैंकर उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं नेवी पावर को लेके। बात करें हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर, जो अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर वाले एयरक्राफ्ट कैरियर उसके बेड़े में शामिल है। वही बात करें हम लोग हेलीकॉप्टर कैरियर की, तो अमेरिका के पास कुल ऐसे 9 बड़े हेलीकॉप्टर कैरियर उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रॉयर शिप को लेकर, अमेरिका के पास कुल ऐसे 75 से अधिक बड़े डिस्ट्रॉयर शिप उसके बेड़े में शामिल है। वही बात करें हम लोग फ्रिगेट्स के बारे में, अमेरिका के पास कुल ऐसे 2 बड़े फ्रिगेट्स उसके बेड़े में शामिल है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन शिप के बारे में, अमेरिका के पास कुल ऐसे 22 कन्वेंशन शिप उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम सबमरीन्स की, तो अमेरिका के पास कुल ऐसी 65 से अधिक सबमरीन्स उसके बेड़े में शामिल है। वहीं बात करें हम पेट्रोल वेसल शिप के बारे में, अमेरिका के पास करीब ऐसे 6 पेट्रोल वेसल शिप उसके बेड़े में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर को लेके। बात करें हम न्यूक्लियर हेड की, तो अमेरिका के पास करीब 5,000 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड उसके बेड़े में शामिल हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो, जब तक कि जय हिंद जय भारत।